हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार फाइनली 50% जो है ना, मैं आपको सरप्राइज का बता ही देती हूँ कि हम लोग किस कंट्री में जा रहे हैं। कमेंट्स में बहुत से लोगों ने बहुत सारे तुक्के मारे, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बाकू, बाली, टर्की, इजिप्ट, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत सारे तुक्के मारे यार तुम लोगों ने। फाइनली तुम लोगों को थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सही है, पापा जो है ना मामा को लेकर गए हुए थे डेंटिस्ट पे, अभी वो घर नहीं पहुंचे। उससे पहले हमने सोचा अपनी पैकिंग जो है ना वो पूरी कर ले। सारी बहनें नीचे पैकिंग कर रही है, जाकर देखते हैं और फिर मामा पापा के सामने ब्लास्ट करते हैं भाई, और उनके रिएक्शंस देखते हैं, मान देने के नहीं मानते। हमारा नेक्स्ट अगला पूरा प्लान उनकी हाँ या ना पे डिपेंडेंट है। हिरा तो भाई खूब सारा सामान लेकर जा रही है क्योंकि उधर एक्सट्रीम टाइप की जो है ना वो ठंड पड़ रही है। मैं नीचे आई हूँ और यहाँ पे फुल ऑन पैकिंग स्टार्ट हुई हुई है जाने के लिए। पूरे का पूरा घर में गन डाला हुआ है इन्होंने। और समझ नहीं आ रही, वैसे दिल कर रहा मामा की हेल्प चाहिए थी मुझे। राबिया अपनी पैकिंग कर रही है, जैनब जो है वो थक हार के यहाँ पे लेट गई है। तुमने अपनी पैकिंग नहीं करनी? मेरी पैकिंग डन भी हो गई, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे भी। एयरपोर्ट पे वो लोग परफ्यूम्स नहीं अंदर लेके जाने देते, दुबई वाले सीन में याद है ना, बैग से उन्होंने परफ्यूम निकलवा लिए थे। 50 ml से ज्यादा परफ्यूम लेके नहीं जा सकते, बैग में नहीं अलाउ करते। तो इसमें आप ही का निकलवा नहीं, या तो दुबई में से निकलवा लेते, इसमें से नहीं निकलवा। हाँ, इस वाले बैग में डाल लो। जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं। तो राबा तुम्हारे बैग में पूरा सामान तो जूतों और बैगों ने ले लिया है। वेयर इज योर कपड़े? मेरा असल बैग वो है। ओए होए, राबिया ने अपने दो सूटकेस तैयार किए हुए, इसमें भी कपड़े डाले हुए हैं। सारी जिंदगी वास्ते नहीं चल रहे, थोड़े दिन वास्ते ही चल रहे हैं। पूरे 10 सूट लेके जा। मेरा जो है ना वो बैग तैयार होके पड़ा हुआ है, बीच में जो मुझे घर से पुराने शुराने कपड़े मिले मैंने उनको एक नया पैकेज बना लिया है। आपके सामने कल शॉपिंग मॉल गई थी तो शॉपिंग मॉल था बंद, तो मैं कुछ खरीद ही नहीं सकी ठीक से। क्या वो ना फिट नहीं आ रही थी यार, मेरे ऊपर एक पूरा सूटकेस पड़ा मेरे से, तो वो भी कोई करवा दे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, पेट में कुछ हो रहा है, गोले गोले। लिपस्टिक क्यों लगा रही है? अभी नहीं जाना, कल है फ्लाइट। मेकअप रखना तो सिर्फ और सिर्फ हीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ है, दिस इज गुड। मैं आई हूँ, मेरे पैसों का आया वापस दो। लड़ाई स्टार्ट। दिस इज गलत बात। राबिया की ब्यूटीफुल इंग्लिश, दिस इज गलत बात। खरीद के कौन लाया? अभी आदमी में कफी खोली। मेरी बात सुनो, ये वाला बैग उसने एक पैकेज के साथ पहना, तो बाद में यूज कर लेना। बाद में नहीं, मैं भी ट्रैवल में लेकर जाना। चुप करो, लड़ाई बंद करो। मेरा 2200 का लिया था मैंने। तुम तो चुप ही करो ना, 80,000 के जूते लेने वाली वो भी साथ लेके जा रही है। एक वाला लिया है, वैसे वाला बाकी का सारे। मम्मी पापा घर पे नहीं है और हमारे घर में इस बैग के ऊपर लड़ाई डल चुकी है कि ये बैग ट्रैवल में कौन लेकर जाए। किस्मत है आज ये बैग उसको मिलेगा। स्टोन पेपर सीजर खेलो 3 बार, किस्मत मानो एक ही बार चमक दिए, एक ही बार होएगा जो फैसला होएगा। करो स्टोन पेपर सीजर, चलो स्टोन पेपर सीजर। ये ले कैच कर ये चीते। मामा पापा आ गए। मामा और पापा जो है वो आ चुके हैं। उनको कहना क्या है? एक सेकंड बाहर ही बैठो, दरवाजा तो मैं खोल देती हूँ। उनको यही कर, याला आज बचा ले, मोड़ के कभी सरप्राइज ट्रिप का प्लान नहीं बनाता। मम्मा का तो मैं यार रिएक्शन लेने खड़ी हुई हूँ। हेलो सरप्राइज, सरप्राइज। एक ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग। हमने तो पैकिंग भी कर दी है, ये देखें। मुझे पता है कि वीडियो बना रही होगी। नारायण का गान जा रहे हैं हम लोग। मैं तो नहीं जा रही, इतनी ठंड भाई, देख कुल्फी बन रही है। मम्मा आपको मजाक है कि हम सच्ची में जा रहे हैं? मम्मा ये देखें इनके जूतों की तादाद से आपको आइडिया नहीं हो रहा कि हम लोग जा रहे हैं? बकवास नहीं करूंगा। बैठे बैठे आराम से बैठे। प्रॉमिस करें आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना और हमारा साथ देना है। आप लोगों ने कुछ खाना पीना है? ठंडा गरम चाय, कॉफी, चिप्स, जूस कुछ खाएंगे? प्रैंक नहीं है मम्मा। एक बार तो इन दोनों को यही लग रहा है कि हम प्रैंक कर। मम्मा प्रैंक नहीं कर रहे मम्मा, ये वाहिद वीडियो है जिसमें हम प्रैंक नहीं कर रहे। आप कहेंगे ये
ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੇ ਵਨ ਟੂ थ्री हम चारों जो हैं वो जा रहे हैं टर्की। हाँ सब चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है, हर चीज हो चुकी है। यही तो हम आप लोगों से परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम जा हमें जाने दे टैची खोल के गंद मार के परमिशन ले रहे हैं। मैं पहली दफा प्लेन में। हाँ पापा ज़ैनब पापा को ठीक से दोबारा वापस साइड ले रहे हैं। तेरा दोबारा नहीं रुकना चाहिए बापू को। बापू अपनी साइड पे होना चाहिए, अम्मी को मना लेंगे। नहीं सारी चले जाएंगी, क्रब गई हुई मैं अकेली घर। हाँ मेरे चलो आप चलो आप घर अकेली ना रहो, आपके लिए एक सरप्राइज है, आप लोग भी हमारे साथ जा रहे हो। ये प्रैंक था और ये प्रैंक था और ये मजाक था और ये प्रैंक नहीं था और ये प्रैंक नहीं था। मम्मा एक और आपको धचका दे, कल 6 बजे की हमारी फ्लाइट है और पैकिंग आपको रातों रात करनी होगी। इसका ये मतलब है कि हमने कल टर्की जाना है, आप लोगों ने भी, माँ पापा दोनों ने। आप खुश हैं? खुश हैं। नहीं इतना खुश नहीं मुझे। अच्छा उधर मौसम कैसा है? उधर मौसम ये जूते ये कपड़े ये जुल्फे ये अदाएं देख के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे 8 डिग्री है, वहाँ पे 4 डिग्री है। पैकिंग मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मैं कैसे। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे हैं पैकिंग करने के लिए, हमने अपनी एकदम जगह से पैकिंग कर ली है। पापा तो भाई जा रहे हैं अपनी पैकिंग करने। ये देखो जरा कैसे ऊपर बैठ गई है मटके और नूडल्स ध्यान से। हीट ले रहा हूं साथ साथ। ये सही है भाई। जूते डालने का तरीका काफी कैजुअल है मेरा, बंद ही नहीं हो रहा। ले ले जूते काम करने। मम्मा ये देखे इन्होंने इतने सारे जूते रख लिए, पूरे ही नहीं आ रहे। एक एक तुम लोग जूता रखो, वहाँ पे पूरे जूतों की फैक्ट्री लेके जा रही है। ये मछली जैसे जूते अंदर किसने रखे हैं? खुपने वाले। आधे जूते निकाले हैं मैंने और अब पूरा आ रहा है। बुढ़ी हो गई काम कर करके, मेरे बच्चिया ने मैनू पागल करके रखे हुआ है। मैंने और ज़ैनब ने ये वाली कैप पहन कर जानी है। मैं लिटर भर लेना। मैं मम्मा के साथ मिलके यहाँ पे मौसमी का जूस बना रही हूँ। सब घर वाले आज मौसमी की जूस पियेंगे। काम कर रहा हूँ और ज़ैनब इधर नूडल्स को फुल ऑन स्पाइसी कर रही है। साथ में पियेंगे जूस जसू। हीरा ने टर्की जाने की खुशी में अपना एक नया कोट मुझे दे दिया यार, ये मेरे पे खूब अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमारी नूडल्स और जूस जो है वो तैयार हो चुके हैं। 2 ही ग्लास हैं जूस के और 2 ही चम्मच हैं नूडल्स के, लेकिन खाने वाले 4 लोग हैं खाने वाले, लेकिन हम मिल बांट के इत्तेफाक से खाएंगे इसको। इत्तेफाक में बरकत है। दिमाग तेज हम इधर बैठे हैं। दिमाग तेरा क्वेश्चन पूछना इनसे आते नहीं है। टीम दिमाग टीम दिल, दिल और दिमाग में हमेशा दिल की जीत होती है। फुल ऑन फसाऊ फसाऊ कर रही है सामान को। बहुत कम पड़ी है। तुम्हारा बैग तुम्हारा आ रही थी, मैंने अपने अंदर रखे। हाँ ठीक है मैं जाकर तुमसे ले लूंगी। ये मैं क्या देख रही हूँ यार, ये जूते भी पैक कर लिए इसी तरह ही। ये वहाँ पे सॉफ्टी है, वहाँ पे ठंड बहुत है, सेम हम पाकिस्तान की तरह ही जा रहे हैं। काचू कूड़ा अब काचू कूड़ा लेके जा रही है साथ अपने। अब इसको बंद करने का टाइम आ गया। अब रोपिया ये तो बंद ही नहीं हो रहा। लोग एक साइड पे कपड़े डालते हैं, दोनों साइड भरी हुई है तो मम्मा कैसे हो? वहाँ पे कितना वेट अलाउ होता है? 25 किलो। 25 किलो मुझे लग रहा है, 50 तो लग रहा है। बहुत अभी अभी इसका कर लेते हैं वेट। बंद करो। हो रहा नहीं आ रहा। करे मम्मा बंद करो। उल्टा किया हुआ तोड़ेगी ये पीछे। हो गया सक्सेसफुल है। कपड़े चलो इसका वेट देखो कितना चलाओ करे। बहुत पर पर्सन को जो है ना वो 25 kg अलाउ है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, लगे हैं कि राबिया का सूट कितने केजी का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सामान रखना है। इस तरह तो हम पूरा घर ही उठा के ले जाएंगे। राबिया इस पे ला कर रख। राबिया टायर जमीन पे लगे हुए और मशीन सेंटर में खड़ी हुई। ठंडी मशीन पे पैर रखना पड़ रहा है यार, ये भी खराब। टाइम पे आके हमारी दोनों की दोनों वेट मशीन खराब हो चुकी है। फातिमा का भी इधर सामान फुल फटने वाला हो गया। तुम दूसरों को बातें कर रही थी, अपना देखो फातिमा तुम। क्या करूँ अब कपड़े आधे निकाल मिला तो एक में सारा एक साथ छोटा ले लो ना। ये वाला ले लो तुम। हाँ ये किसका क्या नाम? ये चट्टू। मैं सामान सारा ही लेके जाना है, वहाँ कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो खुद कह दो वहाँ से भी लेने हैं। सारा सामान लेकर जाने दो। 2 सूटकेस होंगे मेरे। फातिमा तय करो। वहाँ इस्त्री होगी।
स्त्री तो होगी लेकिन टर्की में स्त्री होगी ना, फादर टर्की है गांव नहीं है। सो गाइस ट्रिप की पैकिंग शेकिंग तो चलती रहेगी। 5 बज रहे बट फातिमा कंघी और कैंची लेके पहुंच चुकी है हिरा के पास। स्टाइलिश जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे फ्रंट से बैंग्स काट दो। सैलून से मेरे लंबे लंबे कटे थे बट मुझे इतने इतने चाहिए। सुबह टर्की का ट्रिप है, मेहरबानी करके गंदे ना काट देना। ये है देसी सैलून, हमने नीचे बिछा लिया तोड़ा। अब हिरा मेरे बाल काटेगी। हाथ क्यों कांप रहे हैं हिरा तुम? फाइनली मेरे बाल कटने लगे हैं। सक्सेसफुली हिरा ने मेरे अच्छे से जो है ना वो बालों के बैंग्स बना दिए। उठाओ इसे, उड़ेंगे बाल। सो गाइज होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।